कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक्चुअली कई जगह पे इनकोरेक्ट थे और डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट थे। तीसरी जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी वो इकोनॉमिक सिचुएशन सिंस अप्रैल 2022 वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है कि जो एक लेगेसी नई गवर्नमेंट को मिली कि मिला क्या पीडीएम की गवर्नमेंट को और आप उसी के साथ दैट विल बी डिनोमिनेटर फॉर कंपैरिजन, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने नहीं देखा। इसी तरह इसने इग्नोर किया कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन है जो कि कमोडिटी सुपर साइकिल की वजह से, फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, और इसी तरह एक बिगेस्ट जो हमारी आई है कैटास्ट्रोफी सैलाब की सूरत में, उसका अपना एक इम्पैक्ट है। तो उसको भी जाहिर है कि जब आपने एक फेयर एनालिसिस कंपैरिजन करना है तो उसका भी इम्पैक्ट आपको मद्देनजर रखना होगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने, और इसी तरह आपने देखा होगा कि रिसेंटली आईएमएफ ने जो कि प्रोजेक्टेड था कि जी जो ग्रोथ होगी वो पिछले साल की 2021 की 6% थी और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सस्टेन करेगी, दे हैव ऑलरेडी प्रोजेक्टेड आईएमएफ ने कि इट विल बी डिक्लाइन टू 2.7। को तीन दिन पहले आपने आईएमएफ के एमडी का स्टेटमेंट भी पढ़ी होगी कि 1/3 ऑफ द ग्लोब विल बी इन सीरियस रिसेशनरी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ईयर 2023। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। तो कुछ चीजें जो फैक्चुअली कल मिस स्टेट की गई, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं आपके तवज्जो से। और आपको पीटीआई ने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो वॉज 7.6% ऑफ जीडीपी इन फिस्कल ईयर 2018 जब पीएमएलएन हुकूमत खत्म हुई। दिस इज टोटली रॉन्ग, फैक्चुअली इनकोरेक्ट। व्हेन गवर्नमेंट लेफ्ट दैट ईयर द फिस्कल डेफिसिट क्लोज्ड एट 5.8%। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ 1.8%। सेकंड जो उन्होंने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट वॉज रिड्यूस्ड टू 5.5% ऑफ जीडीपी बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस फ्रॉम 3.7 trillion टू 5.5 trillion इन ए सिंगल ईयर। हालांकि ये उनका कल का क्लेम था। दी ट्रूथ इज कि 2019 में जब फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली उनका उन्होंने इंक्रीज किया टू 7.9%, वी लेफ्ट इट अ 5.8 इन फिस्कल ईयर 19 दे एक्चुअली इंक्रीज इट टू 7.9। और जो वो टैक्स इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली देर वॉज अ रिडक्शन, वी लेफ्ट इट एट 3,843.8 billion, let's say 3,844, they actually had reduction and the number final जो के reconciled है, final हो चुका है, उन्होंने अपने उनके numbers में भी आ चुका है जो उन्होंने surveys दिए, 3,828 या 3,829 billion कह ले। तो इसमें भी 0.4% की जो reduction थी। ये इलाहदा बात है कि I'm sure आपने उस screen shots save की होंगी कि claim ये था कि अगर आप हमें election लेके जितवा दें तो हम एक साल में हम इसको डबल करेंगे। पीएमएलएन ने करीबन 2-5 साल में डबल किया रेवेन्यू कलेक्शन, हम एक साल में डबल करेंगे। और जो करीबन 4,000 अरब से ज्यादा नीचे था, आगे चल के नंबर आपसे शेयर करेंगे, वो कॉम से वादा ये किया था कि एक साल में हम 8,000 अरब पे ले जाएंगे। वो दैट वादा कभी वफा नहीं हुआ, बल्कि जाते जाते 42 महीने भी वहां नहीं पहुंच सके। तो विल कंपेयर दी नंबर आगे चल के। नेक्स्ट प्लीज। इन्होंने क्लेम किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नीचे चली गई 1.5% एंड इन्फ्लेशन रोज टू 10.5%। अगेन मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स बाय पीटीआई। लेट्स गो थ्रू नंबर्स क्या थे। द इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 6.1% थी इन फिस्कल ईयर 2018। अगर आपको याद हो, फिर अपना प्लानिंग मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये हमारा जो प्रोविजनल फिगर था वो 5.8 था, और इन्होंने आते ही उसको सबसे पहले आवाम को गुमराह करने के लिए इन्होंने रिवाइज करके कहा जी वो 5.3। उसके बाद इन्होंने कुछ अरसे के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज किया और करते करते ये खुद 6.1% पे, हमारा यकीन था कि इट विल क्रॉस 6%, क्योंकि वो आपको पता है कि पहले प्रोविजनल होता है, फिर रिवाइज होता है, फिर फाइनल होता है। तो वो नंबर जो था हमारा 6.1, अब इन्होंने अपने हाथों से किया अगले 2 सालों में, लेकिन इनिशियली कॉम को मिसलीड करने के लिए उसमें नंबर गलत दिया। और इनका जो अपनी ग्रोथ थी वो अपना फिस्कल ईयर 19 में इट डिक्लाइन टू 3.12%, और उसके बाद आपको पता है कि सेकंड ईयर में तो इट वॉज नेगेटिव। और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन की ये बात कर रहे हैं,
वो हमारी जो थी वो 4.7 थी इन फिस्कल ईयर 2018, दैट्स वेयर पीएमएलएन हैंडेड ओवर द गवर्नमेंट, और ये इंक्रीज होके ये 6.8% पे गई फिस्कल ईयर 2019 में। और अगर ओल्ड बेस अगर आपको याद हो, इन्होंने एक अकाउंटिंग को रीबेस किया था, अकाउंट्स रीबेस किए थे नेशनल अकाउंट्स, उसकी वजह से ये 7.3 होनी चाहिए थी। अगर पुराने नंबर्स होते तो इन्होंने रीबेस करके वो 6.8 पे ले गए चले, लेकिन इन आइदर केस कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसमें, यानी तबाही की और नेगेटिव उनकी परफॉर्मेंस थी। इन्होंने ये भी किया कि जी पीटीआई ने 2018 में डिस्काउंट रेट जो था वो 325 बेसिस पॉइंट्स जो इंक्रीज किया। पीटीआई गवर्नमेंट ने जब चार्ज लिया तो पॉलिसी रेट जो था वो 7.5 था, जब पीएमएल ने छोड़ा तो ये 6.5% था, ये जब मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा उस वक्त ये 5.5% था, आई एम टॉकिंग जून 2017, जब शाहिद काका नवाजी साहब ने अपना टेन्योर हैंडओवर किया तो इट वाज 6.5%, और जब केयर टेकर ने हैंडओवर किया, आई एम बीइंग फेयर टू पीटीआई, मैं ये भी कह सकता था 6.5 है, लेकिन उन्होंने जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने 7.5 को किया। ये 7.5 को 13.25 पे ये जुलाई 2019 तक ले गए, और इसकी इंक्रीज 325 बेसिस पॉइंट नहीं थी, ये करीबन 5.75% या 575 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज थी, तो इसलिए इनकी ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही नहीं है। अगली स्लाइड पे चले भाई, ये इन्होंने मुख्तलिफ कल कुछ चीजों का कहा है कि जी क्लेम जो स्टेटमेंट थी कि पीडीएम केम इनटू पावर एंड प्राइसेस ऑफ आटा, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ईटेबल्स, टोमेटो, घी, लेंटिल्स आर ऑल हैव इंक्रीज्ड 100 से 200%। हाँ, ये इन पे जरूर अप्लाई करती है। इफ यू कंपेयर, उस पे आते हैं बाद में, 2018 to 2022, देन यू सी कितनी तबाही हुई। दवाइयों की कीमतें 300 से 500% बढ़ी, कोई ऐसी ईटेबल चीज नहीं थी जिसकी दुगनी ना हुई हो, इन पे तो अप्लाई करता है। लेकिन हमने आपको, इस हुकूमत ने जो एंड ऑफ मार्च से टेक ओवर किया और एंड ऑफ दिसंबर तक, मैंने ये नंबर ले लिया, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, वीट की कीमत में इस करीबन 8 महीने में 33% इजाफा है, कुकिंग ऑयल में 21% है, जो दाल है मसूर की 19.5%, मार्च की दाल 35.8, ग्राम जो है 36.8, जो टमाटर है 13.7%, पेट्रोल 47, वो भी कर्टसी जो पीडीएम मान गए थे और नहीं किया, फिर हमने आगे उसमें बाद में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली वेंट अप टू 50 यूनिट्स ओनली 0.5%, और वेजिटेबल्स घी जो है 14.9%। नंबर्स ये हैं, यू कैन इंडिपेंडेंटली चेक, लेकिन उन्होंने कहां से नंबर 100 से 200% का कहा है, इट इज स्वीपिंग स्टेटमेंट विच इज एक्चुअली एंड फैक्चुअली इनकोरेक्ट। ये भी कहा कि हमने जी 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए, नाउ दिस इज अगेन नॉट करेक्ट, द एक्चुअल डाटा शोज जो ऑफिशियल डाटा है कि 3.2 मिलियन जॉब जो है वो हर टेन्योर में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हैं, और जो टोटल जॉब्स क्रिएट हुई हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा अवेलेबल बिटवीन 2019 to 2022 वो 3.2 मिलियन है, 5.5 मिलियन नहीं है। अब मैं आपको जरा इनके वो लेके चलता हूं जी, जो रेवेन्यू और जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है, कंपैरिजन आपको दे रहा हूं कि आप अपना टेन्योर हमने दिया है 2013-14 जब हमने टेक ओवर किया, तो ये हमारा पहला साल था जो कि 12-13 जो था करीबन 1946 अरब पे हमने क्लोज किया था जब टेक ओवर किया, उसको हम पहले साल में 2255, फिर 2590, फिर 3113, फिर 3386, फिर 3844, दैट्स वेयर पीएमएलएन गवर्नमेंट हैंडेड ओवर दिस रेवेन्यू, जिसको कहते थे मैं एक साल में 8000 करूंगा और डबल करूंगा। अब आगे मैंने इनके नंबर आपको दे दिए, पहले साल में नेगेटिव 3829, दूसरे साल में मार्जिनल इंक्रीज 3998, तीसरे साल में इंक्रीज हुई है 4745, और चौथे में 6148, और यहां वो छोड़ के चले गए। हम चूंकि इस वक्त 6 महीने के इस गवर्नमेंट का डाटा जो है वो आप कंपेयर कर सकते इस फिस्कल ईयर का, इस गवर्नमेंट ने इस 6 महीने में फिस्कल ईयर जो अभी 31 दिसंबर को खत्म हुआ आधा, 3429 अरब कलेक्ट किया है एज कंपेयर टू उनके जो पिछले साल 6 महीने थे आखिरी जुलाई टू दिसंबर 2920 अरब था, विच मीन्स कि 17.5% की ग्रोथ एफबीआर ने दी है। दी ओवरऑल टारगेट जो है वो हमारा इंशाल्लाह फिस्कल ईयर
2023 का जो है जून 30 जून 2023 तक वो इस साल का 7,440 अरब है, और एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो मैंने राइट साइड पे दिया है। ये हमने जब टेक ओवर किया तो ये हार्डली एनीथिंग था, लेकिन पहले साल में 351, फिर 515, फिर 598, फिर 740, फिर 972, फिर 11 व्यो हमने 972 पे छोड़ा। इन्होंने उसको इंक्रीज करके 1419 पे लेके गए आखिरी साल तक। हमने अभी 400 बिलियन की उसमें इंक्रीज आके अनाउंस किए इस फिस्कल ईयर में, फ्रॉम 1419 इंशाल्लाह वी विल टेक इट टू 1819 अपना बिलियन रुपीज इंशाल्लाह, विच इज 1.819 trillion विद एन इंक्रीज ऑफ 400 billion इन दिस फिस्कल ईयर ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो अगर आप इनका सिर्फ 6 महीने का डाटा लेना चाहें तो मैंने पेश कर दिया है कि इनके जुलाई नवंबर लास्ट ईयर 5 महीने का ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है, 6 का भी अवेलेबल नहीं है। वो है इनका था 488 बिलियन और हमारा है 664, इसमें भी 36% का इजाफा हुआ। नेक्स्ट, ये आपको एफबीआर रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिखा रहे हैं। ये बाय द वे ये रीबेसिंग का शिकार हुई है, ये भी हमारा डबल डिजिट था। इफ यू रनर्स अप इफ यू रिकॉल तो हमारा डबल डिजिट था जब हमने छोड़ा है, लेकिन चूंकि रीबेस होके इन्होंने जीडीपी ऊपर ले गए हैं तो ऑब्वियसली परसेंटेज वुड कम डाउन, लेकिन उसको उसी बेसिस पे कंपेयर कर लेते हैं। हमने 9% पे नए जो बेस है काउंटिंग बेस के बेसिस पे भी 9% पे लिया और करीबन 1% ऑफ द जीडीपी इंक्रीज की 9.8, ये उसको पहले साल में 8.7 पे ले गए, इसके अपने नंबर्स हैं रीबेसिंग के बाद, दूसरे में 8.4, तीसरे में 8.5 और जाते जाते जो आखिरी साल था 9.2। दे स्टिल कुडंट मैच अवर इवन परसेंटेज टू रेवेन्यू कलेक्शन परसेंटेज टू जीडीपी। इसी तरह जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर का मैंने आपको नंबर ऑलरेडी दे दिया है। अगली स्लाइड बेटा, ये है जी ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इट इज द मेन कॉम्पोनेंट इन योर करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इसको जब हमने 16.6 बिलियन जब हमारा पहला साल था तो हमने इसको ट्रेड डेफिसिट छोड़ा 30.9 बिलियन पे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन्होंने उसी 30 बिलियन को 39.6 बिलियन पे अपने आखिरी साल में छोड़ा, विच मींस ऑलमोस्ट आप कह लें कि 9 बिलियन के करीब उसमें डॉलर 9 बिलियन डॉलर के करीब इंक्रीज करके ट्रेड बैलेंस इन्होंने छोड़ा। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वी स्टार्टेड ऑफ आपके सामने है 3.1 बिलियन डॉलर, 2.85, 12.3, 19.2, जो हमारी एक नेगेटिव हमारे ऊपर मैसिव क्रिटिसिज्म किया पीटीआई गवर्नमेंट ने पहले 3 साल में कि जी ये 19.2 पे ये करंट अकाउंट डेफिसिट ये ले गए थे। मैं नंबर को मानता हूं, लेकिन अब इन्होंने जाते जाते ये भी 17.3 बिलियन के ऊपर छोड़ के गए। अच्छा, मैं इनसे ये पूछता हूं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तो मियां नवाज शरीफ साहब की क्यादत में जरब अजल लड़ी, उसको फाइनेंस किया, रद्दुल फसाद लड़ी फाइनेंस किया, इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस की उसको फाइनेंस किया, और उसके अलावा अपने सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया, और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो कौम और अवाम की प्रॉब्लम थी लोड शेडिंग 18 घंटे शहरों में और 20 से 21 घंटे देहातों में, उसको खत्म किया। वो फ्री तो नहीं होती, वी शुड हैव डिसाइडेड कि वी वांट टू लिव इन स्टोन एज एंड कंटिन्यू विद 18 आवर्स लोड शेडिंग, फिर हमें आखिरी 2 सालों में वो 12-12 हमारी प्रोजेक्टेड क्या थी, वी विल हैव इन द फर्स्ट 3 ईयर्स 12 बिलियन अपना करंट अकाउंट डेफिसिट पहले 3 साल, यानी एवरी 4 आप वो गिन लें आपके सामने है। पहले तो 11 बिलियन पे हमने पहले 3 साल खत्म किए, 3.1, 2.85 हमारा 12 बिलियन का एस्टिमेट था कि वी विल डू 12 बिलियन इन 3 ईयर्स एवरेज ऑफ 4 बिलियन पर एनम। अगले में जैसे मैंने अर्ज किया कि हमें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर करने थे और करने चाहिए थे पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म करने के लिए, जो आपकी कैपिटल इक्विपमेंट इंपोर्ट हो रही थी, जो आपकी मशीनरी इंपोर्ट हो रही थी, उसके लिए पैसे तो देने थे ना आपने अपनी फॉरेन एक्सचेंज से, उसकी वजह से हमारा भी इट वॉज प्रोजेक्टेड ये 12.3 पे गया। हमारा जो ओरिजिनल प्रोजेक्शन थी आते ही वो हमारी करीबन 13 बिलियन के करीब थी आखिरी साल में, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि ड्यू टू ये ऑल दीज यू नो सिक्योरिटी ऑपरेशंस और हमारी जो डेवलपमेंट नीड्स थी एक्सटर्नल पोर्शन, उसकी वजह से फिर ये एक अनप्रेसिडेंटेड हुआ। लेकिन ये एक छोटा सा क्रेडिट वो लिया करते थे कि जी इन्होंने इतना कर दिया मैंने इतना किया, लेकिन वो भी उसको बिल्कुल वॉश ऑफ करके गए हैं और 17.3 पे किया। व्हाट वी आर डूइंग नाउ, हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इस
इस करंट अकाउंट डेफिसिट, देखिए हमारा मुल्क जो है वो हमारी मेन प्रॉब्लम दो है, आगे चल के देखेंगे ट्विन डेफिसिट कंट्रियां, बजट फिस्कल डेफिसिट भी है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी है। फिस्कल डेफिसिट पे फिर भी हम काबू पा सकते हैं जी, चलें रुपए चाहिए और फॉर एक्स्ट्रा जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है विच इज ऑब्वियसली द एक्सटर्नल अकाउंट, उस पर आपको प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, यू नो यू हैव टू आइदर बोरो और मोबिलाइज द एक्सटर्नल रिसोर्सेज इन फॉरेन करेंसी। तो हमने उसको मैसिवली अंडर सर्वेंस रखा हुआ है इस गवर्नमेंट ने, और ये गवर्नमेंट ने अपने पहले पांच महीने में, अभी ऑफिशियल फिगर पांच महीने के अवेलेबल है, चंद दिनों में छह महीने के आ जाएंगे स्टेट बैंक से, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पांच महीने का टिल एंड ऑफ नवंबर 3.1 बिलियन डॉलर है, इनका डबल से भी ज्यादा था 7.2 बिलियन, इसमें ऑलमोस्ट 57% की रिडक्शन हुई है ना, विच इज ए गुड साइन, क्योंकि उसी उतनी आपकी जो है रिक्वायरमेंट कम होगी, जो 9-10 बिलियन की बात हो रही थी कि इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट होगा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज वेल अंडर कंट्रोल, एंड मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ 7-7.5 बिलियन में शायद हम इस साल को क्लोज कर सकेंगे। तो ये मैंने जैसे अर्ज किया कि हमारा जो आखिरी साल था, जो कि एक मेन क्रिटिसिज्म होता था और मेन क्रेडिट लिया करते थे, वो ये था जी ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आसमान पे छोड़ के चले गए, और मैं तो उसको हम मैनेज कर रहे हैं, और एक तो खुद भी वो उसी तरह छोड़ के गए, कोई लोड शेडिंग के लिए इम्पोर्ट इक्विपमेंट नहीं की, कोई सिक्योरिटी पेमेंट्स नहीं की, कोई जरबे अजब नहीं लड़ी, कोई रद्दुल फसाद नहीं लड़ी, बताए कौम को कि जी मैंने किस जगह पे ये 17.3% पे मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट मिसमैनेजमेंट की वजह छोड़ा है। आगे चले जी, या सही कह रहे हैं प्लानिंग मिनिस्टर साहब, कह रहे हैं कंज्यूमरिज्म, तो ये है जी आपका एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के नंबर्स भी मैंने आपको पेश कर दिए हैं, ये भी मिस स्टेटमेंट की जा रही है कि जी हमारे जमाने में बहुत ज्यादा जो है वो फोकस यानी नेग्लिजेंस थे, हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ, ये ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले नंबर्स देख लेते। वी स्टार्टेड ऑफ इन द फर्स्ट ईयर 25.1 बिलियन डॉलर के ऊपर, आपके सामने नंबर है, एंड वी एंडेड अप 24.8 बिलियन। ये सेकंड एंड ओनली क्रिटिसिज्म जो हमारे खिलाफ होता रहा है कि जी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाए, ओके रीजन बाद में देख लेते हैं। तो इसमें 300 मिलियन डॉलर का सिर्फ फर्क हुआ है, और जब आप 24.8 को कंपेयर करेंगे अगले आने वाले तीन साल से, तो पहले साल में तो इनकी भी 500 मिलियन डिप हुई 24.3 बिलियन, उससे अगले साल मजीद डिप हुई 22.5 बिलियन, और उसके बाद तीसरे साल में ये 25.6 पे रफली ये हमारे करीब करीब आए, और चौथे साल में ये 32.5 बिलियन का नंबर है। लेकिन ये काइंडली जरा गौर जरूर करें, इसकी मेन वजह ये है कि 400 बिलियन रुपीस वाज गिवन एज टर्फ फाइनेंसिंग एट 1% एंड इंडस्ट्री आल्सो एडेड अ 400-500 बिलियन। अगर आज हम भी कोई 1,000 बिलियन या 1 ट्रिलियन कि फैसिलिटीज दे दें इंडस्ट्री लगवाने में, और तो आई एम श्योर के परहैप्स वी कैन हैव फर्दर इंप्रूवमेंट। तो ये एक स्टैंड अलोन नहीं है, जहां तक हमारा स्टैग्नेशन है, अगर आप कंपेयर करें, और आपको याद होगा कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस श्रंक, और उस वक्त प्रॉब्लम आ रही थी कि आप हमें फायदा भी हो रहा था, हमें मसलन टर्म्स ऑफ ट्रेड में हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है तो वो 20-25 डॉलर के करीब एवरेज जो मिल रही थी हमें, जो आज हमने 100 क्रॉस भी किया, 130 में भी खरीदी है, आज भी 80 से ऊपर है 80 डॉलर। तो हमारा वो जो पीरियड था उसमें बेसिक जो रीजन थी ऊपर ना जाने की, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड थी विच वाइल वर नॉट हेल्पिंग अस इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, क्वांटिटी ज्यादा थी। आप क्वांटिटीज निकालें 2017-18 की हमारे आखिरी साल की, और 2013-14 की जो, तो यू वुड फाइंड कि क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन जो उसकी यूनिट प्राइस है वो कम होने की वजह से हम करीबन वहीं खड़े। आपको याद होगा कि हमने 10 जनवरी 2017 को यू नो IMF प्रोग्राम में, ऑब्वियसली यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी सब्सिडी और एनी, अच्छा मैं उसको सब्सिडी नहीं कहता, आपको याद होगा हमने 3 महीने September 2016 में IMF खत्म हुआ, हमने October-November-December में पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को एंगेज किया, वी डिड वर्किंग के उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं उसमें कितना गवर्नमेंट टैक्सेस शामिल हैं, उनकी जो इनपुट्स हैं, तो वो किसी के 9.5 रुपए थी, किसी की 10 थी, किसी की 11 रुपए पर डॉलर कैलकुलेट होती थी, आई एम श्योर आपको याद होगा वो। और 10 जनवरी 2017 को मियां नवाजी साहब ने
हमारी कैबिनेट मीटिंग में तमाम पाकिस्तान के स्पोर्ट एसोसिएशन के हेड्स को बुलाया, मैं उनके साथ था, और उस पे हमने 180 बिलियन रुपीस का एक्सपोर्ट पैकेज दिया। और उनको हमने कहा जी, उन्होंने कहा जी हमें पहले कैप्चर करनी है मार्केट, हालात बहुत खराब रहे हैं, और वो हमें आप 5-6 महीने दे, 1 जुलाई से आप हमें, अगर हम मिनिमम 10% इंक्रीज नहीं देंगे तो आप हमें ये रिबेट ना दे। मैं रिबेट नहीं कह रहा, उसका एक्चुअली हक है, ड्यूटी ड्रॉबैक, सारी दुनिया में एक्सपोर्ट के जो इनपुट्स होते हैं उसमें ड्यूटी वापस होती है या टैक्स वापस होता है, जो भी गवर्नमेंट ड्यूज है। तो उस 180 बिलियन ने, जो कि फिर शायद खाकान अबाजी साहब आया अगस्त में और मैं अभी दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर से ओथ लिया, तो 67 बिलियन और एड हुआ। उस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर मलक परवेज मरूम भी साथ थे, उन्होंने मुझे कहा जी कि इंडस्ट्री क्रंच में है, आप या वो कर लें या 10 रुपए आर्टिफिशियल स्लाइड कर दे रुपए को, इन आइदर केस इट विल मेक अप। मैंने कहा कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, वो तो महंगाई का एक तूफान है, किसी पर रुकना नहीं है, तो उधर मैं नहीं जाऊंगा। आई विल एग्री विद यू अनदर 67 विथ 247 बिलियन रुपीज, यू हैड 12.7% एक्सपोर्ट ग्रोथ इन 2017-18। अगर उसी मॉडल पे चलते तो आप उसके साथ 16 साल गुजार सकते थे विदाउट क्रिएटिंग हैवक इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ महंगाई, जो कि ना इनका तजर्बा था, ना सोच थी, ना कोई अंडरस्टैंडिंग थी, और जो आगे खुला छोड़ दिया रुपए को। सो मैं उसको कहता हूं मदर ऑफ इकोनॉमिक इवल्स, और उसने जो तबाही की है वो हम सबके सामने है, और वो और फिर इंटरेस्ट रेट आपस में उसका चोली दामन का साथ है, वो आगे जाता है फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, वो और आगे जाते हैं, फिर ये हम ये साइकिल चलता रहता है, साइकिल जो है अनफॉर्चुनेटली दैट वाज ऑन। तो दूसरी तरफ मैंने आपके इम्पोर्ट्स के नंबर्स भी दे दिए कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो करीबन 12.3 बिलियन से 12.1 बिलियन है, विच इज 5 months फिगर ऑफिशियली अवेलेबल फ्रॉम स्टेट बैंक। इसमें 2% की कमी आई है, मैं जो सामने आपको नंबर दे रहा हूं, बट एट द सेम टाइम हमारी जो इम्पोर्ट्स है वो भी आप देख रहे हैं कि उसमें करीबन 16.2% की कमी आई है, फ्रॉम 29.7 बिलियन टू 24.9 बिलियन। ये आपके करंट अकाउंट डेफिसिट की इंप्रूवमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑलरेडी, जो कि करीबन 57% नीचे चली गई। तो इसकी, जैसे मैंने अर्ज किया कि इसकी कमोडिटी सुपर साइकिल, यू नो, वैल्यू इफेक्ट ऑफ ओवरऑल द वॉल्यूम इफेक्ट, मैसिव डिवैल्यूएशन, अनलिमिटेड तो नहीं थी वो, 400 बिलियन नंबर इज अवेलेबल एट 1%। ऑब्वियसली देयर इज अ फिस्कल कॉस्ट ऑफ गिविंग एनी सच रिलीफ। तो ये करने के बावजूद भी जो हमारे नंबर हैं वो हमारे सामने हैं। जी अगली स्लाइड बेटा, ये जी जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है, जो उन्होंने कहा जी कि हमने बड़ी इंप्रूवमेंट की है, वो किया, ये किया, दिस इज नॉट ट्रू। जो जीडीपी ग्रोथ है वो एवरेज जो है, हमने 4.05 से शुरू करके 6.1% पे खत्म की। मैं आपको नंबर्स भी दे देता हूं। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स वो 244 बिलियन से शुरू होके वो करीबन 356 बिलियन पे हमने आखिरी साल क्लोज किया था। और जो एवरेज हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो हमारी 4.05, उसके बाद 4.06, 4.56, 4.61 और फिर 6.1। इफ यू टेक एवरेज तो हमारी 5 साल की एवरेज ग्रोथ है 4.7%। इनकी अपने जो इनके 4 साल की ग्रोथ एवरेज है 3.5% एवरेज एनुअल ग्रोथ। तो पता नहीं किस चीज का क्लेम कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। आप जीडीपी की इंक्रीज मैंने अर्ज कर दिया है, मैंने आपको डॉलर्स नंबर अभी बताया है कि वो कितने थे, 244 से 356। तो हमारे 112 बिलियन डॉलर हमने जीडीपी में उसमें इजाफा किए इन डॉलर टर्म्स। और इन्होंने अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 61 बिलियन का इजाफा किया, और वो भी रीबेसिंग के बाद। तो एक एक एट वन पॉइंट इफ यू रिकॉल, जिस सेकंड ईयर में जब इनका नेगेटिव जीडीपी गई थी, पहले इनका 0.439%, फिर 1% पे ये चले गए रिवाइज करके -1%। उस साल इन्होंने अच्छी खासी को 50 बिलियन का रिडक्शन कर दी थी जीडीपी के साइज में, और उसके बाद भी रीबेसिंग हुई, बहुत चीजें हुई। लेकिन ओवरऑल मैं कंपेयर करता हूं टू बी फेयर टू द कंपेरिजन थेरी,
हमने अपने टेन्योर में 112 बिलियन डॉलर जीडीपी में इजाफा किया, इन्होंने सिर्फ 61 बिलियन का इजाफा किया। तो आप परसेंटेज ले लें ग्रोथ की, आप जीडीपी की इंक्रीज इन रियल नंबर्स में ले लें, बोथ आर देयर। पर कैपिटल इनकम भी देख लें, पर कैपिटल इनकम जो है वो इन्होंने, हमने 1389 से 1768 में लेके गए, विच वॉज 27.3% इंक्रीज इन अवर टेन्योर। इन्होंने सिर्फ उसमें $30 का इजाफा किया पर कैपिटल इनकम में चार साल में। वो इनका जो ऑफिशियल नंबर जो क्लोज हुआ है $1798 पर कैपिटल इनकम है पाकिस्तान की, ये मैं नहीं कह रहा, ये नंबर जो है दे आर ऑल डॉक्यूमेंटेड ऑफिशियल, और इन्हीं के जमाने में मोस्टली नंबर जो है वो फाइनल हो चुके हैं। ये नहीं है कि इसमें कोई और को डील कर रहा है इस वक्त स्टेट बैंक या कोई और अदारा। जी आगे चले, ये जी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस कहते हैं जी, हमारे जमाने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग बहुत पाकिस्तान पे बिलियंस इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। दिस इज द इन्वेस्टमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये हमने जो जो आपको दो चार्ट दिए हैं, इसमें हमारे टेन्योर में 17.1% जीडीपी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर, जो आप कंपेयर कर सकते हैं कि पीटीआई की 15.1% टू जीडीपी है। दे आर अगेन बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर्स, मेरे जाती नंबर्स नहीं है। जी अगली स्लाइड बेटा, ये स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस है। आपको याद होगा जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट हुआ था, पीएमएलएन जीत गई थी, उस दिन ही विद इन डेज ये 19,916 पे, जो उस दिन 13 मई को जो मार्केट थी स्टॉक मार्केट, इट रोज टू ऑलमोस्ट 22,930 पॉइंट्स उस वक्त विद इन फ्यू वीक्स। लेकिन जो एक्चुअल डिफरेंशियल है, जहां पीएमएलएन ने क्लोज किया मई 13 से मई 18, उसका जो फर्क है वो 22,930 इंडेक्स में इजाफा है उसके यूनिट्स में। जो इनका अप्रैल 2018 से अप्रैल 22 तक जो इनका उस इंडेक्स में इजाफा है, जहां से इन्होंने टेक ओवर किया और जहां इन्होंने छोड़ा, वो इन्होंने 42,425 पॉइंट्स पे ली और 44,445 पॉइंट पे छोड़ी, जिसका मतलब है कि इन्होंने चार साल में स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में 2020 जो है नंबर का इजाफा किया एज कंपेयर टू 10 टाइम्स 22,930। अभी मैं रिसेंटली डेवलपमेंटल रीट अभी हुई है, और जो डेवलपमेंटल रीट लिस्टेड हुई है जस्ट फ्यू डेज बैक, मैं चीफ गेस्ट था ऑन जूम फ्रॉम इस्लामाबाद, 100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक चेंज इज रिड्यूस टू ऑलमोस्ट $30 बिलियन। नाउ दिस इज टू बी लुक्ड इनटू कि ये हमारा नेट स्टॉक मार्केट, वो स्टॉक मार्केट विच बिकेम 5th इन द वर्ल्ड एंड बेस्ट इन साउथ एशिया। ये आफ्टर वी मर्ज ऑल दी 3 स्टॉक चेंजेस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई, और उसके बाद इसने परफॉर्म शुरू किया और ये वहां पहुंच गई कि जहां ये इमर्जिंग मार्केट में भी शामिल हो गई और ये 7 दुनिया की 5वीं बेहतरीन और साउथ एशिया की बेस्ट ये डिक्लेयर हुई। आपके सामने ये सारी जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, आप खुद कंपेयर करें। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये मैं नहीं कोट कर रहा, ये स्टॉक चेंज के जो जो उस वक्त उनके ऑफिस बेयरर्स थे ये वो कोट कर रहे थे फिगर्स। ये अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है, चूंकि उन्होंने कहा कि हमने 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट किया, मैंने आपको डिटेल दे दी है, 3.2 हुई है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो ऑफिशियल नंबर्स जो रिलीज होते हैं, हमारा पहला साल 6 था, फिर 5.9%, फिर 5.8, इनका पहला साल 6.9, और जो लेटेस्ट नंबर अवेलेबल है ऑफिशियल वो 6.3 है। तो वो भी उनका क्लेम जो है वो अनफॉर्चुनेटली दुरुस्त नहीं है। आगे चलो बेटा, ये इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसकी एवरेज मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारी जो हमारे टेन्योर में 5 साल में जब हमने शुरू किया था, ये करीबन पहले 14-15 महीने में ये 8.6% के करीब पहुंची थी, और ये लोएस्ट जो है हमारे सेकंड लास्ट ईयर में 2.9%। तो हम एवरेज ले लेते हैं, हमारी एवरेज इन्फ्लेशन 5.1%, और हमारी जो फूड इन्फ्लेशन थी, हमारी एवरेज वो आपको लेफ्ट पे है 4.5%, इनकी एवरेज CPI वॉज 9.7%, और इनकी एवरेज फूड इन्फ्लेशन इज 11%।
So they're all official statistics, you can check, confirm. Aur hamare zamane mein ye jo food thi wo 2.1 pe minimum pe chali gayi thi. Agar aapko yaad ho, jo hamara 2017 ka I would call probably best year tha, jabki Mian sahab chand dino ke baad phir disqualify hue, wo jo point tha, we had the lowest inflation, kareeban 4.6, we had lowest food inflation, 2.1, we had lowest policy rate, 5.5, we had lowest export refinance of Pakistan ki history mein, 40 saal mein, 3%, long trade term facility, 3%, I mean, you, best stock market in the South Asia, most stable currency in South Asia. I mean, yeah, all these things are music to the ears of the Western world. Wo main aapko kuch cheeze yaad karaunga ki wo kya kehti thi duniya us waqt. Lekin hamari badkismati hai, that's where we have reached. Aage chalein ji. Ye global currency chuke is waqt bahut under discussion hai ki ji is hukumat mein aake wo ruka nahi balki ye slide karta ja raha hai. Usme kuch haqeeqat jo hai aapko bayan karni zaruri hai. कि इस जो करंट पीरियड है अप्रैल टू एंड दिसंबर, इसमें जो स्ट्रेंथ हुई है डॉलर की, जो फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किए हैं, जो डिमांड डॉलर में दुनिया में बढ़ी है, उसकी वजह से जो मुख्तलिफ नॉन करेंसीज हैं, टर्की ने 34.6% डिप्रिशिएट हुई है उसकी करेंसी, यूरो खुद 11.1 है, यूके के स्टर्लिंग 28.6%, चाइनीज 11.1%, बांग्लादेशी 13.2 एंड पाकिस्तानी 31.3. सो दे आर हार्ड फैक्ट्स. लेकिन इसमें स्पेकुलेशन भी है, इसमें हवाला भी है, इसमें हुंडी भी है, इसमें पाकिस्तान की हार्ड अर्न फॉरेन एक्सचेंज जो है वो नेबरिंग कंट्री में स्मगलिंग भी है, जहां वीट स्मगल हो रही है, जहां फर्टिलाइजर स्मगल हो रहा है, जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं विद अवर वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज. वो अनफॉर्चुनेट है, बट दी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ऑलरेडी आर ऑपरेटिव, कस्टम्स, FIA, बैक्ड बाय इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, काफी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये कंटिन्यू रहेंगे जब तक ये स्मगलर्स का जो है माफिया, इसका हम नेटवर्क नहीं तोड़ेंगे. जी आगे चले, ये टैक्स रेवेन्यू और इंपोर्ट परफॉर्मेंस की एक कंपैरिजन है. एज FBR रेवेन्यू जो है एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, तो ये 9 पे टेक ओवर किया, 9.8 पे छोड़ा इन्होंने, पहले साल 8.7 पे लेके 1.1% कमी करके फिर आगे जाते जाते 9.2 पे छोड़ा. ये नंबर जो है वो आपके सामने है. इसी तरह परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट्स टू GDP 17% हमारा था, हमने जो आखिरी छोड़ा 15.6 पे था, इन्होंने जो अपने इंपोर्ट्स का नंबर छोड़ा 18.8% ऑफ GDP पे छोड़ा. तो डिस्पाइट ऑल दी क्लेम्स, फिगर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन कंपेयर. आगे चले बेटा, ये हमारा ट्विन डेफिसिट, एज ए सेट के पाकिस्तान हैज दिस सीरियस क्रॉनिक प्रॉब्लम, वी हैव टू ओवरकम दिस. अल्लाह करे हम जल्दी इस भंवर से निकले. दिस इज 75 इयर्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ऑलमोस्ट बारिंग फ्यू एक्सेप्शन. तो हमारा फिस्कल डेफिसिट ऑफ परसेंटेज टू GDP एवरेज PMLN टेन्योर में 5.2 और इनके टेन्योर में 7.2. ट्रेड बैलेंस एवरेज बिलियन डॉलर में हमारा 22 बिलियन और इनका 29 बिलियन. ये आपको जो नंबर्स मैं दे रहा हूं, अगेन दे आर ऑल डॉक्यूमेंटेड, दे कैन बी चेक्ड इन इकोनॉमिक सर्वे, स्टेट बैंक से, दे आर ऑल ऑफिशियल नंबर्स. सो वी आर जस्ट रिप्रोड्यूसिंग कि जो फिस्कल डेफिसिट हमारा एवरेज 5.2 है, इसमें इनका जो है वो जैसे मैं इसके 7.2 की एवरेज बनती है. इसी तरह जो हमारा 31% जो ट्रेड डेफिसिट डिटेरियोरेट हो रहा था, वो PTI के 31 डिटेरियोर हमारा जो है वो 29 बिलियन, यानी इम्प्रूवमेंट जो हमारी हुई है वो करीबन ऑलमोस्ट 31% इम्प्रूवमेंट है फ्रॉम 29 टू यू नो द करंट फिगर. द ट्रेड डेफिसिट इम्प्रूव्ड, वी हैव गिवन द नंबर्स फ्रॉम $17.4 बिलियन टू $12.8 बिलियन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 months ऑफ द करंट फिस्कल. ये मैंने अर्ज किया, 5 महीने के ऑफिशियल नंबर्स अवेलेबल है. आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट इवन गेस और एस्टिमेट द 6th नंबर अनलेस दैट इज ऑफिशियल. तो नंबर जुलाई टू नवंबर, करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव 57%, ये 7.3 से ये 3.1 बिलियन पे इन द फर्स्ट 5 months. जी बेटा नेक्स्ट, ये हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस है. वी ऑल नो के थिंग्स आर नॉट गुड, और इसमें मेन जो हमारी प्रॉब्लम्स आई हैं फ्लड्स के बाद, वो हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं खरीफ क्रॉप्स, वो डिक्लाइन, कॉटन 24.6%, राइस 40%, शुगर केन 7.9%, मेज 3%. अगेन दीज नंबर्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज. डिस्पाइट ग्लोबल मेल्टडाउन,
and internal devastating floods, value-added sectors are showing positive and satisfactory growth. वो आपके लिए सामने थोड़े से रखे हैं कि कौन से areas बेहतर perform कर रहे हैं इसके इन इन problems के बावजूद. Wearing apparel is 51.98%. ये as a growth as a percentage. July to October, ये number अभी सिर्फ चार महीने के available हैं official. मैं official number सिर्फ quote कर. Leather 6.96, chemical 0.96, iron steel 1.26, furniture 121.54, and other manufacturing 60.74. ये government का जो अभी initiatives हैं कि हम jump दे, kick start करें agriculture को, तो आपने देखा कि एक बड़ा heavy किस्म का किसान package Prime Minister Shahbaz Sharif ने अनाउंस कर चुके हैं. और इसी तरह का हमने अपने टेनोर में 20-15-16 फिस्कल ईयर में आपको याद होगा 351 बिलियन का एक पैकेज दिया था. उससे काफी एग्रीकल्चर में उसमें इंप्रूवमेंट आई थी. इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज भी है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन मेजर्स भी हम ले रहे हैं ताकि हम इन सेक्टर्स को रिवाइव करें और इसको आगे लेके चले. जी बेटा आगे पॉलिसी रेट में आपको जनरली मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारा पहला साल 10 था, हमको लाते लाते टिल 20 फिस्कल ईयर 2017 5.75 पे ये था. और फिर ये जो 2018 का साल खत्म हुआ हमारा वो 6.5 पे. तो देयर बाय मीनिंग कि हमने जो पॉलिसी रेट है उस पे हमने कोशिश की कि डिक्लाइन, क्योंकि ये इससे सारा लिंक आपका जितनी बैंक बोरिंग आपकी है सबसे बड़ा तो गवर्नमेंट खुद बोरोर है. वी आर द लार्जेस्ट बोरोर यू नो इफ यू कंपेयर द नंबर्स. तो सबसे ज्यादा हिट तो गवर्नमेंट के अपने बजट पे पड़ती. वो मुल्क जो 1750 बिलियन 2018 में डेट सर्विसिंग कर रहा था वो आज करीबन 5000 अरब के करीब पहुंच चुका है. तो वो सबसे हिट तो ज्यादा हमें पड़ रही है. अब ये जो नंबर है ये 6.5 से पहले ये 12.2 पे गए, फिर कर्टसी कोविड ये 7 पे आए, सारी दुनिया ने कटेल किया रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लेशन रेट. और उसके बाद जो कोविड ओवर हुआ था इन्होंने 13.75 पे छोड़ा, जो कि अभी 16% पे पहुंच चुका है. अच्छा, इसमें जो नंबर आप जब कंपेयर करेंगे तो हमने जो अपनी यानी इंक्रीज हमारे जमाने में जो हुई उसको भी आप कंपेयर कर लें. ये जो 8 महीने है ये 2.25% की है, 13.75 पे इन्होंने छोड़ा था, 16% है. इनकी भी कंपेयर कर ले, ये 6.5 टेकअप करके 13.7 पे करीब 7% की इनकी इंक्रीज है. सो दीज आर दी कंपैरिजन आपके सामने है. और फिर पॉलिसी रेट से जो इंडस्ट्री में मुश्किलात है, जो ट्रेड में मुश्किलात है, जो बिजनेस मैन जो रो रहे हैं वो इसी वजह से है कि इसके ऊपर फिर 2-3% होता है. लेकिन हमारी जो है ऑब्वियसली यू कॉन्ट जस्ट लाइक टर्की, उनकी इन्फ्लेशन को 60% के करीब है लेकिन उन्होंने 9% कर दिया है बिकॉज दे आर नॉट यू नो होस्टेज विद एनी लेंडर, एक्सटर्नल लेंडर या बायोलैटरल या मल्टीलैटरल कोई उनके ऊपर कंडीशन नहीं है. हमारी ये है कि जी हमने इन्फ्लेशन के साथ चलना है. बात है कि हमारी इन्फ्लेशन में बहुत बड़ा कंपोनेंट इम्पोर्टेड है बिकॉज हम 28 बिलियन को तो हम पेट्रोल और ऑयल. वजीर खजाना इसाक डार इस्लामाबाद में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो आपने मुलाहिजा किया.